सा ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो मसाला मैंने ड्राई रोस्ट करा उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच के करीब मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और जो मसाला मैंने मिक्सी में पीसा था उसे भी मैंने 1 चम्मच ले लिया है। फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता को ऐड करेंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा खट्टा पानी बन करके तैयार हो चुका है। अब चलिए गुपचुप में भरने के लिए हम आलू का मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने आलू उबाल करके रख दिया था, इसके लिए मैंने 5 आलू ले लिया। उसमें फिर थोड़ा सा मटर का जो घुघनी होता है उसको ऐड करेंगे। मसालों में जो मैंने मसाला लिया है जैसे सादा नमक, काला नमक, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गुपचुप का मसाला और थोड़ा सा इसमें हरा मिर्च काट करके डाल देंगे। प्याज इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दो चम्मच के करीब इसमें हम खट्टा पानी भी ऐड करेंगे और 4-5 गुपचुप को इसमें हम तोड़ करके डाल देंगे। ठेले वाले अक्सर ऐसा करते हैं। ऐसा करने से आलू के मसालों में अच्छा टेस्ट आता है और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा आलू का मसाला भी बन करके अच्छे से तैयार हो चुका है। लीजिए हमारे गोलगप्पे बन करके तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट लगा था खाने में। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना। आपको बाजार जाकर के गुपचुप खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही जब चाहे तब आप ये गुपचुप का मजा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे रेसिपी को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।